चार जिलों के मुख्य व्यापारिक केंद्र रामपुर बुशहर में रोजाना हजारों गाड़ियों की आवाजाही है, लेकिन पार्किंग के नाम पर इस बड़े शहर में नाम मात्र की ही पार्किंग उपलब्ध है। ऐसे में लोग सड़कों के किनारे ही गाड़ियां पार्क करने को मजबूर है। इससे आए दिन यातायात बाधित तो होता ही है, साथ ही भारी भरकम चालान का भी भुगतान करना पड़ता है। रामपुर बुशहर के इंदिरा मार्केट के समीप सालों से बन रही पार्किंग को तैयार हुए कई महीने हो गए हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पार्किंग का उद्घाटन कर जनता को समर्पित नहीं किया जा रहा है। इससे आम जनता के साथ ही व्यापार और कार्यालय के कार्य से यहां आने वाले वाहन चालकों को अच्छी खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय प्रतिनिधियों, आम लोगों व जनता से एप्पल न्यूज ने इस बारे में जाना तो सभी का कहना था कि राजनीति से ऊपर उठकर तुरंत इस पार्किंग को जनता के लिए खोला जाए, अन्यथा करोड़ों रुपए की लागत से बनी इस पार्किंग का किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला। जो ये पार्किंग की समस्या है, इस पे आपका क्या कहना है? ये पार्किंग की समस्या रामपुर में जो है ना, काफी सालों से है, और एक पार्किंग जो है यहाँ स्कूल के साथ है वो हमेशा फुल रहती है, और दूसरी पार्किंग जो इंदिरा मार्केट में तैयार हो गई है उसमें यहाँ के जो लोकल लीडर है या सरकार है कोई ध्यान नहीं दे रही है। पार्किंग न होने की वजह से लोग जो है गाड़ी नहीं खड़ी करते ऊपर, दूसरा चलान का डर रहता है, तीसरा जो है पार्किंग न होने की वजह से जो है मार्केट हमारी डे बाई डे डाउन होती जा रही है। इसलिए सरकार से हमारी डिमांड है कि जल्दी से जल्दी इंदिरा मार्केट वाली पार्किंग का जो है उद्घाटन किया जाए। क्या है जी? गोपाल सिंह सर, ये जो पार्किंग की समस्या है, इस पे आपका क्या कहना है? ये पार्किंग की तो बहुत समस्या है, गाड़ी ऊपर जाना पड़ता है, पार्किंग बनाई जाती है। नगर परिषद से हमारी जो बात है कि जो बड़ा हुआ पार्किंग का, ये इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। पार्किंग की काफ़ी समस्या है रामपुर में, और ये काफ़ी समय से चल रही है। वैसे तो दो जगह पार्किंग है यहाँ पे, तो लेकिन वो दो पार्किंग भी बाजार के ही लोगों के लिए पूरी नहीं हो पाती है। दूसरा, बाहर से आने वाले लोग जो यहाँ पे सामान लेने के लिए आते हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि ये जो इंदिरा मार्केट में जो पार्किंग बनी है, इसको जल्द से जल्द जनता के लिए समर्पित कर दिया जाए, ताकि रामपुर में जो व्यापारियों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि सामान लेने वालों की कमी आती है यहाँ पे, वो कहीं और चल जाते हैं, तो कम से कम उनको पार्किंग मिल जाए जो बाहर से कस्टमर आ रहे हैं, और बाजार जो है सुचारू रूप से यहाँ का व्यापार जो चल सके। SDM रामपुर बुशहर नरेंद्र चौहान ने बताया कि पार्किंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जल्द ही इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तारीख तय नहीं है। पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए हमने दो प्रपोजल पार्किंग के बनाए हैं, एक तो कंप्लीट हो चुका है, दूसरा हमारा MC का प्रपोजल है, उसका फाउंडेशन स्टोन हमने कराना है, लगभग तैयार है। हम अगले महीने या एक डेढ़ महीने में CM साहब की विजिट करवाएंगे और पार्किंग का उद्घाटन कराएंगे, क्योंकि भौगोलिक स्थिति हमारे रामपुर की ऐसी है कि पार्किंग के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। लोगों ने मकान थोड़े से बेतरतीब निर्माण किया, जिस वजह से पार्किंग घरों में हो पाना संभव नहीं है, और सारी सड़क किनारे पार्किंग, इन चीज़ों को रोकने के लिए हमने पार्किंग का निर्माण कराया है। कोशिश करेंगे कि हम सितंबर या अक्टूबर तक इसका इनॉग्रेशन करवाएं। रामपुर का काफ़ी बड़ा इलाका जो है वो TCP के दायरे में आता है, एक सब कमेटी बनाई है कैबिनेट की जो इस इलाके को बाहर करने के लिए, तो क्या रामपुर क्षेत्र? इस पार्किंग का निर्माण पर्यटन विभाग द्वारा ADB प्रोजेक्ट फंड से किया गया है। इस पार्किंग के शुरू हो जाने से करीब 200 गाड़ियों को पार्किंग सुविधा मिलेगी, जिससे सड़कों पर यातायात समस्या भी काफी सुचारू